हाँ जी सर। सो एक न्यूज़ बड़ी जो है वो वायरल हो रही है आप लोगों के बीच में। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए CUET अनिवार्य नहीं है। तो मेरे भाई, ये जो लोग आपके तरफ ख़राब न्यूज़ पहुंचाते हैं, पहले आप इसकी पूरी तह तक तो जाओ, पहले उसको समझो तो सही क्या है। मेरे भाई, यहाँ पे मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं पूरा तो अभी पैराग्राफ रीड भी नहीं करूँगा, यहीं देख लो। लेकिन UGC ने कहा, UGC ने साफ कहा कि CUET का पालन अनिवार्य है। मेरे भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो CUET अनिवार्य नहीं है, वो क्लैट वगैरह के लिए है। जो लॉ वगैरह की जो भी डिस्कशन चल रही है, उस पर अभी और आगे जो है वो कोर्ट के अंदर चीज़ें जो है वो सबमिट करने के, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने की बात अभी चल रही है। आपके जो जितने भी जनरल कोर्सेज हैं, उसके लिए CUET आपको देना पड़ेगा। तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि CUET 2024 के अंदर हमारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आप चलोगे, CUET बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा जितनी भी मैक्सिमम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है ना, उसके अंदर अगर आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर अगर एडमिशन लेना है, MBA वगैरह के लिए, मैं IIM इंदौर वगैरह के लिए इनको छोड़ देता हूँ, आपको जो है वो CUET देना ही पड़ेगा। CUET UG जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए देना है, और CUET PG जो है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, मतलब कि मास्टर्स वाले प्रोग्राम्स के लिए देना है। तो आपके BA, BMS, BFI, आपके BSc के जितने भी कोर्सेज हैं, BA प्रोग्राम्स, आपके BCom ऑनर्स, BCom, सब के लिए CUET मेरे भाई आपको देना ही देना है। इस भ्रम से बाहर आ जाओ, और एटलीस्ट आपके पास जो ये आधी इतनी न्यूज़ निकल कर आती है ना, उसका पूरा आर्टिकल ज़रूर पढ़ लिया करो। बेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ जो है इस चैनल पे आपको मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब तभी करना जब फालतू के तमाशे ना चाहिए हो, टू द पॉइंट रिलेवेंट कंटेंट एक स्ट्रोक के अंदर चाहिए हो, तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना दुकानें खुली हुई है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हो ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय एंड टेक केयर।